करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत सारी डाइटिंग और वो खाना छोड़ना पड़ता है जो हमें दिलो जान से बहुत पसंद है, और ऐसा खाना खाना पड़ता है जो बिल्कुल भी हमें टेस्टी नहीं लगता। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप रेगुलर ही टेस्टी टेस्टी स्मूदी पी के वेट लॉस कर सकते हैं और अपना मन चाहा शेप पा सकते हो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ना। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 डेज का 5 स्मूदी जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी यम्मी है, एंड उसके साथ आप बहुत ज्यादा वेट लॉस भी करोगे, साथ ही साथ आपकी बॉडी इंटरनली बहुत ज्यादा हेल्दी रहने वाली है। सो गाइज, मैं आप सबकी दोस्त डिम्पल इस चैनल पे आपका फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। एंड आपको मैं बता दूं, मैं सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं, स्किन हेयर रिलेटेड भी आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करती रहती हूँ, उसके सॉल्यूशन शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप घर बैठे इन चीजों का इलाज कर सको। सो गाइज, आई कैन एश्योर यू 100% यू कैन लूज योर वेट विद दीज रेसिपीज, बट आपको शिद्दत से ये 5 डे फॉलो करना है। मंडे टू फ्राइडे रूटीन के लिए मैंने ये स्मूदीज बनाई है, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, आप अपना मन चाहा खाना घर का भी खा सकते हो, आपको कुछ भी नहीं करना, डाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं करनी, नॉर्मल जो आप फूड ले रहे हो वो लेना है, साथ में ये स्मूदी सुबह ब्रेकफास्ट में लेनी है, ब्रेकफास्ट में आपकी यही स्मूदी रहनी चाहिए, एंड विद दिस आप अपना वेट लॉस कर पाओगे, फैट लॉस कर पाओगे, एंड बाहर का जंक फूड आपको छोड़ना पड़ेगा। सो गाइज, एंड में एंड तक देखने के बाद वीडियो पसंद आती है तो नीचे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। आप चलिए देख लेते हैं ये रेसिपी। As we all know, ब्रेकफास्ट हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है जो हमारे फुल डे हमें फुल रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ब्रेकफास्ट हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, चाहे हम वेट लॉस करना चाहते हैं चाहे ही हम वेट गेन करना चाहते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रेकफास्ट आप हमेशा हेल्दी करें। तो मैं आज इस रेसिपीज में जो यूज़ करने वाली हूँ वो है सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स एंड हमारे फ्रूट्स। आप जो हैं यहाँ पे फ्रूट्स अपने चॉइस से डाल सकते हैं। सबसे पहले हम हमारा स्मूदी बनाने जा रहे हैं जो कि हम इसको बोलेंगे होलसम ऑरेंज मंडे स्मूदी। सो गाइस, इस इंग्रेडिएंट्स जो हैं आप अपने चॉइस से मिक्स मैच कर सकते हो, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप उनकी हेल्प से इनको प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑरेंज जूस यूज़ कर रही हूँ। ऑरेंज जूस के लिए आप मिक्सर में उसका जूस निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे फ्रेश यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, बस स्पून की हेल्प से मैं यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज जूस निकाल लूँगी। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप यही फ्रूट्स लो, आप सीजनल फ्रूट्स ले सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 कप योगर्ट। योगर्ट आपकी हेल्प करेगा आपको प्रोटीन देने में। नेक्स्ट इसमें मैं फ्रोजन ऑरेंज यूज़ कर रही हूँ, पील किया हुआ छिला हुआ ऑरेंज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और श्रेडेड कैरेट यानी कि घिसा हुआ कैरेट मैंने यहाँ पे लिया है, और लास्ट में मैंने इसमें डाला है फ्रोजन पपाया और उसे भी मैंने पील कर लिया था। इसे आप इजीली इसको स्ट्रेन कर लीजिए और स्मूदी को अच्छे से गार्निश के लिए आप इसमें कैरेट और डाल सकते हो। सो हमारा ये फर्स्ट डे स्मूदी रेडी है। सेकेंड, हम बनाएंगे अपना स्मूदी जो कि है रेडिएंट रेड ट्यूसडे स्मूदी। इसको मैंने अपने नाम दिए हैं, आप किसी भी नाम से इसे बुला सकते हो, मैं इसे रेडिएंट रेड बोलती हूँ बिकॉज ये रेडिश कलर में है, एंड बच्चे बहुत ज़्यादा भागते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, लेकिन आप ये स्मूदी उनको बहुत ही यमी टेस्ट देगा क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी वेजिटेबल वाला टेस्ट नहीं आने वाला। यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेनली रेड कलर के मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पोमोग्रेनेट जूस 1/2 कप, उसके बाद अगेन मैंने योगर्ट डाला है, उसके बाद आप रसबेरीज डालोगे, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरीज, और 1 कप मैंने वाटरमेलन लिया है। रेसिपीज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा देख सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छे से मेंशन है क्वांटिटी और जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे पोमोग्रेनेट की कुछ सीड्स यहाँ पे डाल रही हूँ जिससे ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। सो गाइज, ये हमारा सेकेंड डे का स्मूदी प्रिपेयर है। अब हम बनाने जाने वाले हैं यहाँ पे हमारा थर्ड स्मूदी, जिसे मैंने नाम दिया है येल्लो ट्रॉपिकल ट्विस्ट स्मूदी। ये येल्लोइश इन कलर है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये सारे फ्रूट्स हों, तो अगेन आई एम सेइंग आप कोई भी फ्रूट अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। ये स्मूदी हम वेडनेसडे को अपने मील में इंक्लूड करेंगे। इसके लिए अगेन मैं एक जूस लूँगी जो कि है 1/2 कप ऑफ पाइनएप्पल जूस।
एग्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हाफ कप ऑफ ग्रीक योगर्ट। योगर्ट आप नॉर्मल भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे ग्रीक योगर्ट ले रही हूँ ताकि ये थिक कंसिस्टेंसी हमें देगा। फ्रोज़न पाइनएप्पल क्यूब्स डाल रही हूँ, फ्रोज़न मैंगोस के क्यूब्स डाल रही हूँ, हाफ बनाना डाला है और मैंने आधा इसमें ग्रेटेड जिंजर भी डाला है। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। जो यहाँ पे मैं ग्रीक योगर्ट ले रही हूँ इसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक आ रही है स्मूदीज़ के। अगर आप बहुत ज़्यादा लिक्विड ही चाहते हो तो आप घर का जमा हुआ दही भी डाल सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। सो गाइस नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा थर्सडे पर्पल वेरी बेरी थर्सडे स्मूदी की तरफ। इसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी हाफ कप क्रैनबेरी जूस का, हाफ कप ग्रीक योगर्ट, योगर्ट अगेन हम प्रोटीन के लिए यूज़ कर रहे हैं, आधा कप ही हम यहाँ पे फ्रोज़न ब्लैकबेरीज लेने वाले हैं टेस्ट के लिए, यहाँ पे हम ब्लू बेरीज भी ऐड कर रहे हैं, एक प्लम फ्रोज़न डाइस्ड यूज़ करेंगे हम, और लास्ट में हाफ बनाना स्लाइस्ड कटा हुआ, जिससे कि हमारी कंसिस्टेंसी बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनने वाली है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सबके टेक्सचर आप देख रहे हो बहुत ही यम्मी कि इतना फुल कर देगा आपको कि आपको 4-5 घंटे के लिए बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली है। अब आपको कोई डाइटिंग नहीं करनी है, बस इनको अच्छे से फॉलो करना है। लास्ट हमारा फ्राइडे के लिए हम बनाने वाले हैं क्लीन एंड ग्रीन फ्राइडे स्मूदी। एज वी ऑल नो ग्रीन वेजिटेबल्स हमारी बॉडी के लिए, ग्रीन फ्रूट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है क्लीन एंड ग्रीन। सो यहाँ पे हम ग्रीन चीज़ें यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने लाइम जूस लिया है हाफ कप, हाफ कप मैं ग्रीक योगर्ट ले रही हूँ, फ्लेवर्ड आप ले सकते हो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, एक डाइस्ड एवोकाडो मैं इसमें डालूँगी कटा हुआ, और अब मैं इसमें डालूँगी ग्रीन एप्पल फ्रोज़न अगेन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ग्रीन जो भी आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पिनच हो गई, मिंट हो गई, ये सब आप ऐड कर सकते हो। कर्ड भी जो आप ले रहे हो अगर आप उसको कलर देने चाहते हो तो मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्ड और कलर्ड योगर्ट अवेलेबल हैं, वो आप इसमें डाल सकते हो और बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी में हमारा स्मूदी बन के तैयार हो जाएगा। ये स्मूदीज़ आप डेली आप भी पीजिए, अपने बच्चों को भी दीजिए, ये आपके फैट लॉस में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपके इंटरनल बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छा रखेगा, जिससे कि आपकी स्किन, नेल्स और हेयर्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं। सो गाइज अब मेरी यहाँ पे कुछ टिप्स आपको। सबसे पहले आपने ये नोटिस किया होगा मैंने सारे स्मूदीज़ में एक लिक्विड पार्ट लिया है, जूस लिया है, जिससे कि इसे मिक्स करना बहुत आसान हो जाए। सेकेंड यहाँ पे मैंने जितने भी फ्रूट्स इसमें ऐड किए हैं वो फ्रोज़न थे, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी मिलने वाली है। सो गाइज़ ये मेरे एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, जिसका आपका स्मूदी बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। थर्ड मैं यहाँ पे ग्रीक योगर्ट लिया है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप चाहते हो तो घर का बना हुआ दही भी डाल सकते हो, बट उससे इस टाइप की कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा। सो गाइज आई होप ये आप फॉलो करोगे, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, एंड डेली आप अपनी शुरुआत इसी के साथ कीजिए, आपकी बॉडी को ये डिटॉक्सीफाई करेगा, आपके टमी को बिल्कुल फुल रखेगा, आपको बाहर टेस्ट के लिए खाने जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको फुल ऑन टेस्ट ही आपको प्रोवाइड करेगा। वीडियो पसंद आया ही होगा आज आपको, आई एम श्योर फॉर दैट। ये स्मूदीज ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, हेल्थ डिटॉक्सीफाई करेगा, हमारे हेयर, स्किन, नेल्स और हमारे फैट लॉस में ये हेल्प करने वाला है। सो गाइज अब चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।